नमस्कार दोस्तों, एसके हाउस प्लान में आप सभी का स्वागत है। आज मैंने आप सभी के लिए 15 फिट बाई 30 फिट का स्मॉल हाउस प्लान तैयार किया है। इसमें वन साइड रोड और थ्री साइड अदर प्रॉपर्टीज हैं। आप सभी को मेरा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और आप सभी को मेरे बनाए हुए हाउस प्लान पसंद आ रहे हैं, आप मेरी बनाई हुई वीडियो लाइक कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब प्लान देखते हैं। ये हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान तैयार किया है और ये एक स्मॉल हाउस प्लान है। इसका ये साइड 15 फिट है और दूसरी साइड 30 फिट है। तो ये शहरों के हिसाब से डिजाइन किया है मैंने। इसमें कम जगह में हम अधिक से अधिक स्पेस दे सकें। और यहाँ पर हमने मेन गेट दिया है। यहाँ ये 6 फिट वाइड गेट है और अंदर जाने के लिए, और यहीं से ये स्टेयर्स दिए हैं 6 फिट बाई 13 फिट। इसमें 6 फिट ये साइड है और 13 फिट ये साइड है। यहाँ पर ये प्रोजेक्शन रहेगा, और यहाँ से आके यहाँ लैंडिंग से और यहाँ ऊपर की मंजिल पर हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। और ये अंदर जाने के लिए यहाँ से डोर रहेगा। ये हमारा ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल है। इसका साइज है 8 फिट बाई 18 फिट 2 इंच। इसमें 8 फिट ये साइड है और 18 फिट 2 इंच ये साइड है। यहाँ तक हमें स्पेस मिलेगा। और यहाँ पर हमने कॉर्नर सोफा डिजाइन किया है। यहाँ ये डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं और हमारे पास ये काफी स्पेस रहेगा। और यहाँ ये वेंटिलेशन के लिए हमने इसमें रोड साइड में ये विंडो दी है, जिससे इसमें हवा और रोशनी दोनों आती रहे। और ये किचन भी हमने यहाँ पर ओपन बनाया है लेफ्ट साइड में। ये है 6 फिट बाई 8 फिट 6 इंच का। इसमें 6 फिट ये साइड है और 8 फिट 6 इंच ये साइड है। यहाँ पर गैस स्टोव या सिंक डिजाइन की, और यहाँ पर अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। और यहाँ वेंटिलेशन के लिए हमने इसमें ओपन इधर स्टेयर्स की तरफ ये विंडो दी है, जिससे किचन का धुआं वगैरह इधर निकल सके। और पीछे की साइड में ये बेडरूम है। बेडरूम का साइज है 9 फिट 6 इंच बाई 10 फिट। इसमें 9 फिट 6 इंच ये साइड है और 10 फिट ये साइड है। यहाँ पर हमने कवर डिजाइन की है और यहाँ वेंटिलेशन के लिए ओपन स्पेस की तरफ एक ये विंडो दी है, जिससे रूम में वेंटिलेशन रहे अच्छा। और इसी के बराबर में ये टॉयलेट है। टॉयलेट का साइज है 4 फिट 6 इंच बाई 7 फिट। इसमें 4 फिट 6 इंच ये साइड है और 7 फिट ये साइड है। यहाँ पर हमने स्लाइडिंग डोर डिजाइन किया है, जिसे अच्छा लगे हमारा ये डाइनिंग हॉल और ये ड्राइंग रूम है। इसलिए तो यहाँ इसमें हमने ओपन स्पेस की तरफ ये वेंटिलेटर दिया है। तो दोस्तों, आप सभी को ये मेरा बनाया हुआ हाउस प्लान पसंद आएगा। आप सभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें, और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।